कि आप हमेशा थका थका महसूस करते हैं? नींद खुलने के बाद भी आपको सुबह सुबह एनर्जी महसूस नहीं होती? क्या आप इम्पोर्टेंट टास्क पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं लेकिन फिर भी मन चाह परफॉर्म नहीं कर सकते? देन माई फ्रेंड, हो सकता है कि आपको आपकी सुपर पावर के बारे में पता ही नहीं है। स्लीप एक सुपर पावर है, ऐसा हम नई दुनिया के नंबर वन स्लीप एक्सपर्ट कहते हैं। उन्होंने अपनी बुक व्हाई वी स्लीप में कई डीप क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं, जैसे कि हम सपने क्यों देखते हैं, नींद की कमी से क्या फर्क पड़ता है, और सबसे इम्पोर्टेंटली हम हमारी स्लीप की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगले 10 मिनटों के लिए हमारा साथ दीजिए, आपका नींद की ओर देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप आपके पूरे दिन रिचार्ज और एनर्जेटिक फील करेंगे और ज्यादा प्रोडक्टिव बन पाएंगे। हम दुनिया भर का बेस्ट नॉलेज एक सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से आपके सामने लाते हैं। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिलती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। स्टेप 1, कम सोने की बीमारी। दुनिया के 3 में से 1 इंसान को स्लीप रिलेटेड बीमारी है। Yes, इसे हम बीमारी कह सकते हैं क्योंकि इसका इम्पैक्ट सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी पर नहीं, हमारे हेल्थ पर भी होता है। ये बीमारी अलग अलग फॉर्म में आती है। इंसोम्निया यानी नींद ना आना, नार्कोलेप्सी यानी एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिनेस, स्लीप एपनिया जहां आपकी ब्रीदिंग नींद में रुक जाती है। ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा कॉमन है। हमारी लाइफ ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेसफुल होती जा रही है जिसका इम्पैक्ट हमारी स्लीप पर होता है। चलिए वीडियो की शुरुआत स्लीप डेट से करते हैं। स्लीप डेट क्या होता है? एक सिंपल फॉर्मूला, रिक्वायर्ड स्लीप माइनस एक्चुअल स्लीप इज इक्वल टू स्लीप डेट। सपोज आपकी बॉडी को फुल्ली रेस्ट करने के लिए 8 hours ऑफ स्लीप की जरूरत है लेकिन आप 6 hours ही सोते हो, तो आप आपकी बॉडी से 2 घंटे उधार लेते हो। और उधार का प्रॉब्लम ये है कि उधार क्यूमुलेटिव होता है, मतलब ये है कि ये उधार बढ़ता जाता है। स्लीप डेप्रिवेशन एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। अगर आप हर रोज 2 घंटे कम सोते हो तो सिर्फ 4 दिनों में आप इतना कम सोए होंगे कि आपने एक पूरे दिन की नींद स्किप कर दी होगी। आपको एग्जैक्टली कितने नींद की आवश्यकता है? स्लीप फाउंडेशन कहता है कि एक एडल्ट को एटलीस्ट 7 घंटों की नींद जरूरी है। कई प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 6 घंटे इनफ है, लेकिन रिसर्च ने यह प्रूव किया है कि 6 घंटे की स्लीप आपको क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों नहीं देती। स्लीप इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी। कुछ लोग सोचते हैं कि हम कॉफी पीकर या रेडबुल चढ़ाकर नींद को चकमा दे सकते हैं, लेकिन क्या आपने रास्तों पर उन बाइकर्स को देखा है जो पेट्रोल की जगह अपने पेट्रोल टैंक में केरोसिन डालते हैं और उनकी बाइक से ऐसा धुआं निकलता है? जहां नींद की जरूरत है वहां कुछ और डालोगे तो आपकी ही गाड़ी का नुकसान होगा। आपको कितने नींद की जरूरत है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। स्टेप 2, स्लीप कैलकुलेटर। आई विश मेरे पास कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर होता जो मैं आपको दे पाऊं, जिससे आप एग्जैक्टली आपको कितने स्लीप की जरूरत है ये कैलकुलेट कर पाए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, लेकिन हाँ स्लीप साइकिल जरूर है जिससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी बॉडी एक मोबाइल फोन की तरह है जिसे हर रात चार्ज करने की जरूरत है और टाइम के साथ हमारी बॉडी चार्ज हो जाएगी। 8 घंटों में चार्ज होने के बाद हम उसे जैसे चाहे वैसे 16 घंटे यूज कर सकते हैं और फिर वापस चार्ज करना पड़ता है, लेकिन ये सच नहीं है। हमारी नींद को हम 4 स्टेजेस में बांट सकते हैं, इसे स्लीप आर्किटेक्चर कहते हैं। स्टेज 1 है N1 स्लीप, जहां हम पूरी तरह से सोए नहीं हैं, हम धीरे धीरे सोने जा रहे हैं। इस स्टेज में जोर से आवाज हुआ या किसी का धक्का लगा तो हमारी नींद आसानी से खुल सकती है। ये स्टेज 1 से 5 मिनट के लिए चलती है। अगली स्टेज है N2, जहां हमारी ब्रेन एक्टिविटी फटाक से नीचे गिर जाती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, मसल्स रिलैक्स होते हैं। ये 10 मिनट से लेकर 1 घंटे के लिए चलती है। अगली स्टेज है N3, जिसे हम डीप स्लीप कहते हैं। इस स्टेज में हमारी बॉडी की रिकवरी हो रही है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। यहाँ हमारा ब्रेन हमारी मेमोरीज को प्रोसेस करता है, मसल रिपेयर इसी स्टेज में होता है। यहाँ हमारा ब्रेन डेल्टा वेव्स रिलीज करता है। ये स्टेज 20 से 40 मिनट के लिए चलता है। और 4th स्टेज है REM यानी रैपिड आई मूवमेंट। यहाँ हमारी ब्रेन एक्टिविटी बढ़ती है, हमें जो सपने याद रहते हैं वो REM के दौरान देखे हुए सपने होते हैं। सोने के बाद पहले 90 मिनट्स के लिए ये स्टेज शुरू नहीं होता। यहाँ हमारी ब्रेन की सफाई हो रही है, जो चीजें अननेसेसरी हैं वो मेमोरी से डिलीट हो रही हैं और इम्पोर्टेंट चीजें सही जगह स्टोर हो रही हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि आप सिर्फ कुछ ही चीजों को याद रख सकते हैं और कुछ चीजों को नहीं? सो लेट मी एक्सप्लेन, आपका ब्रेन बिल्कुल एक कंप्यूटर के जैसे फंक्शन करता है। सो कंप्यूटर में एक पार्ट है कॉल्ड RAM, और RAM कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर उसमें जो भी डेटा स्टोर किया है वो उड़ जाता है। आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरीज कुछ ऐसे ही होते हैं, आप जब सो जाते हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरीज उड़ जाते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म मेमोरीज में से कुछ चीजें होती हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। सपोज आपने कोई मिस्टेक किया है या फिर आप कुछ नई चीज सीखें, तो ब्रेन को ये पता होता है कि ये चीजें इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें लॉन्ग टर्म में यूज करना पड़ेगा,
जब आप सोते हैं आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरीज लॉन्ग टर्म मेमोरीज में कन्वर्ट होते हैं। दिस इज वाई इफ यू डोंट स्लीप वेल द नेक्स्ट डे यू फील वेरी फॉगी, बहुत ज़ॉम्बी लाइक लगता है, सोचना मुश्किल हो जाता है। इन चारों स्टेजेस को मिलाकर बनता है एक स्लीप साइकिल। ये साइकिल बार बार रिपीट होता है और एक हेल्दी स्लीप के लिए आपको 4 से 6 स्लीप साइकिल जरूरी है। यानी 90 मिनट की एक स्लीप साइकिल पकड़े तो आपको ऑन एन एवरेज 7 से 9 घंटे की स्लीप जरूरी है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि हर स्लीप साइकिल में आपका रैम का टाइमिंग बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला रैम आपका सिर्फ 10 मिनट चला और फिर धीरे धीरे उसका ड्यूरेशन बढ़ता जाता है। ये स्लीप साइंस है जो समझने के बाद आप आपकी बॉडी को समझ सकते हैं। स्टेप 3, अपनी बॉडी को समझो। अक्सर लोग कहते हैं अर्ली टू स्लीप अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इंटरनेट पर आप ऐसे कई सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ सुबह 4 बजे उठते हैं। लेकिन एक स्टेप आगे जाते हैं तो समझते हैं कि हर एक का स्लीपिंग पैटर्न अलग होता है, क्योंकि हर एक की लाइफस्टाइल अलग होती है और हर एक के एनर्जी लेवल्स पूरे दिन में अलग होते हैं। हर एक की बॉडी का टाइप अलग अलग हो सकता है, इन्हें क्रोनोटाइप्स कहते हैं। मेनली 4 टाइप के क्रोनोटाइप होते हैं, बेयर, लायन, वुल्फ और डॉल्फिन। ये मेनली 2 चीजों पर फोकस करते हैं, आप कब सोते हो और कब उठते हो, और सबसे इम्पोर्टेंटली दिन में किस समय आप सबसे ज्यादा एक्टिव होते हो। बेयर सनसेट के बाद सो जाते हैं और सनराइज के साथ ही उठते हैं। 2 बजे से पहले उनकी एनर्जी पीक पर होती है और 2 बजे के बाद वो धीरे धीरे कम होने लगती है। लायंस बेयर से भी पहले सोते हैं और सनराइज से पहले उठते हैं, उनकी एनर्जी एकदम सुबह सुबह सबसे हाई होती है। वुल्फ्स लायन के एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं, ये रात को ज्यादा काम करते हैं और रात को ही ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो नेचुरली ये सुबह लेट उठते हैं। और सबसे एंड में है डॉल्फिन्स जो लाइट स्लीपर्स होते हैं, थोड़ा सा आवाज हो तो उठ जाते हैं लेकिन उतनी ही जल्दी सो भी जाते हैं, जो कोई भी एक पैटर्न फॉलो नहीं कर सकते। ये क्रोनोटाइप समझना इम्पोर्टेंट है, एट द सेम टाइम आपकी लाइफस्टाइल समझना इम्पोर्टेंट है। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आपको सुबह 9 से लेकर 3 से 4 बजे तक प्रोडक्टिव रहना ही है, तो आप एक वुल्फ की लाइफस्टाइल अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आपके काम पर इम्पैक्ट होगा। आपको इधर ऐसा कोई जॉब ढूंढना पड़ेगा जो आपको फ्लेक्सिबल टाइमिंग दे, या फिर आपको आपकी बॉडी को ट्रेन करना होगा। स्टेप 4, बॉडी को ट्रेन कैसे करें। नींद इम्पोर्टेंट है, ये तो सबको पता है, लेकिन रात को सोने जाओ तो नींद आती ही नहीं और पूरे दिन थकान महसूस होती है, असली प्रॉब्लम तो यही है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर कि बॉडी को ट्रेन कैसे करें। सारी थियोरी समझ ली, लेकिन अब हमें हमारे गोल्स को अचीव करना है। एक्सरसाइज करने के लिए हमें टाइम निकालना है, दिन भर प्रोडक्टिव फील करना है, साथ ही साथ सफिशिएंट नींद भी कंप्लीट करनी है। ये सारी चीजें हासिल कैसे करें, चलिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स देखते हैं। टिप नंबर 1 इज गेट एन अलार्म क्लॉक। क्या बकवास है, अलार्म क्लॉक की क्या जरूरत, अलार्म तो हमारे फोन्स में भी है। रिसर्च कहता है कि दुनिया के 67% लोग दिन की शुरुआत भी मोबाइल फोन से करते हैं और दिन का एंड भी। इससे यही प्रूव होता है कि बाकी के 33% लोग झूठ बोल रहे हैं। अक्सर होता ये है कि हम हमारे फोन पर ही अलार्म सेट कर देते हैं और हमारे ही फोन पर वो सारे एप्स हैं जो दुनिया भर के सारे डिस्ट्रैक्शन से भरे हुए हैं, तो सुबह अलार्म होने पर हम सीधा रील स्क्रॉल करने लगते हैं, फिर टॉयलेट पर बैठकर रील स्क्रॉल करते हैं और फिर आधा घंटा कैसे चला गया पता ही नहीं चलता। ये हमें डोपामाइन हिट तो देता है लेकिन हमारी मॉर्निंग एनर्जी ड्रेन कर देता है, और ये वही एनर्जी है जिसे हम कोई एक्चुअल टास्क करने में यूज कर सकते हैं, बट बिकॉज हमने ये एनर्जी ऑलरेडी खर्च कर दी हमें फिर बहुत स्लीपी महसूस होने लगता है। The best thing to do is get an alarm clock and not check your phone the first thing in the morning. Tip number 2 is hot bath before sleep. सोने से 90 मिनट पहले गर्म पानी से नहाया करो। रिसर्च कहता है कि सोने से पहले गर्म पानी से नहाना आपके बॉडी का कोर टेम्परेचर कम करता है और आपके बॉडी को स्लीप के सिग्नल्स देता है। Think about it this way. इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंशन से पहले हम रात को ही सोते थे। रात को टेम्परेचर दिन से कम होता था, तो जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से लो होता है, वैसे ही हमारा सर्केडियन रिदम ट्रिगर होता है, और गर्म पानी से नहाने से हम यही अचीव कर सकते हैं। इससे हमारी बॉडी के थर्मो रेगुलेटरी सेंटर को एक सिग्नल मिलता है और नहाकर बाहर आने के बाद धीरे धीरे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। स्टडीज ये कहते हैं कि ये फॉलो करने से आप बेड पर आने के बाद 10 मिनट ज्यादा पहले सो पाएंगे। टिप नंबर 3 इज सेट अ रूटीन। रूटीन ये शब्द काफी बोरिंग लगता है, बट ट्रस्ट मी, सेम टाइम पर डिनर करना, सेम टाइम पर सोना और अराउंड सेम टाइम पर उठना, ये एक सुपर पावर है। ये आपकी लाइफ में भी डिसिप्लिन लाता है और आपकी बॉडी को ट्रेन करता है ताकि आपकी बॉडी आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे पाए। आई हैव रियलाइज कि खाना खाने के बाद मैं इमीडिएटली नहीं सो सकता, तो इस साल आई हैव मेड श्योर कि मैं मेरा डिनर अराउंड 7 बजे के आसपास खत्म कर दूं, ताकि मेरे डिनर और मेरे स्लीप के बीच में थोड़ा टाइम बचे। आई लव कॉफी, लेकिन कॉफी हमारे सिस्टम में 8 घंटों के लिए रहती है,
यानी मुझे पता है कि अगर मैंने 4 बजे के बाद कॉफी पी तो 12 बजे तक नींद आना मुश्किल है। सो मैंने मेरे रूटीन में ये डिसाइड किया है कि 4 बजे के बाद कॉफी नहीं पीनी है, ताकि मेरी बॉडी को टाइम मिले कॉफी के किक से बाहर निकलने का। एक चीज आप ट्राई कर सकते हैं कि आपके फोन को बेड के पास नहीं, बेड से दूर चार्जिंग पर लगाइए, ताकि जब आप सो रहे हो तो मैसेज का आवाज या फिर कोई नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब ना करे। टिप नंबर 4 इज स्लीप इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जिस दिन मेरा माइंड, बॉडी और सोल पूरी तरह से सेटिस्फाइड होता है, उस दिन बहुत अच्छी नींद आती है। यहाँ बॉडी भी इम्पोर्टेंट है। रिसर्च ने यह प्रूव किया है कि रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज से इंसोम्निया के चांसेस कम होते हैं। इट डजंट हैव टू बी अ लॉट। डिनर के बाद 15 मिनट की वॉक भी सफिशिएंट होती है। टिप नंबर 5 इज राइट डाउन योर थॉट्स। ये सबसे डिफिकल्ट स्टेप है और ये हर रोज फॉलो करना किसी के लिए भी काफी डिफिकल्ट है, लेकिन ट्रस्ट मी इट हेल्प्स। 2023 में मैं सोने से पहले मेरे दिन के बारे में एक लाइन में जरूर लिखता हूँ। ये कोई भी अच्छी मेमोरी हो सकती है या फिर कोई ऐसी बात जिसने मुझे खुशी दी, कोई ऐसी बात जिसने मेरे इस दिन को बहुत स्पेशल बनाया। इसके बारे में मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इसे मैं वन लाइन ग्रेटिट्यूड जर्नल कहता हूँ। ये कुछ भी फैंसी नहीं है, बस एक एक्सेल शीट है जिसमें मैं बस एक लाइन में लिखता जाता हूँ कि आज के दिन में किस चीज ने मुझे खुशी दी। जैसे कई लोग अपने डिनर का एंड डेजर्ट से करते हैं, वैसे ही आप भी आपके दिन का एंड ग्रेटिट्यूड से कर सकते हैं। इससे आपके दिन का स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम होती है और सेटिस्फेक्शन के साथ सोने में हेल्प होता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, लिसन टू योर बॉडी। इस वीडियो में मैं कुछ भी क्यों ना बोलूं, कोई भी डॉक्टर या थेरेपिस्ट आपको कितना भी ज्ञान क्यों ना चिपकाए, अल्टीमेटली आपकी बॉडी ही आपको बता सकती है कि आपके लिए क्या सूटेबल है और क्या नहीं। तो आप ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ आपकी स्लीप की क्वांटिटी को ही नहीं, आपकी स्लीप की क्वालिटी को भी ऑब्जर्व कीजिए और खुद से सवाल पूछिए कि दिन में आप किस टाइम पर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। आपकी स्लीप साइकिल्स को नोटिस कीजिए और आपके क्रोनोटाइप को समझिए और आपके बॉडी को कंट्रोल करने के बजाय उसके साथ कोऑपरेट करना सीखिए। ट्रस्ट मी, यू विल लव योर लाइफ। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हमारे भारत के ऑडियंस को दुनिया के बेस्ट नॉलेज से रूबरू करवाना चाहते हैं, आपकी लाइफ बेहतर बनाना चाहते हैं, आपको कॉमन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देना चाहते हैं, ताकि हम सब हमारी लाइफ को 1% ही क्यों ना हो बेहतर बना पाए। और यही इंपॉर्टेंट बात, आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप आपके टाइम को बेहतर तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं, हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। UPI एक रेवोल्यूशन है, उसके बारे में हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।